जो मिस्त्री छड़ बांधते हैं वो चार सरिया लेते हैं, और आपने ये बताया कि सिंगल छड़ पे 3 फ्लोर मकान बनाया जा सकता है, ये वाकई कहाँ तक फैक्ट है? जैसा कि जो भी मकान बनते हैं वो दो तरीके के बनते हैं, एक तो हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर हो गया, दूसरा हमारा लोड बेयरिंग हो गया, और ज़्यादातर जो भी गांव है, छोटे शहर है, सब जगह पे लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर ही बनता है। तो उसमें लोग काफ़ी गलती करते हैं कि 5 इंच दीवार दे दिया, मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ जहाँ पे गलती करते हैं, एक तो पैसे भी लग रहे हैं और मजबूती भी नहीं मिल रही है मकान में। ये जो आपके पीछे सरिया वगैरह है, ये किस चीज़ के लिए, क्या ट्रेनिंग का मामला चल रहा है आप लोगों का? ये राजमिस्त्री का ये ट्रेनिंग चल रहा है, ये भूकंप रोधक मकान कैसे बनाएं जी। जैसे कि अभी मकान जो है सो सरिया बांधते हैं, सीधा सीधा सरिया बांध देते हैं, कभी देखते हैं कि मकान जो फटता है। हाँ, गांव देहात में बांधा जाता है। हाँ, फटता है मकान, जैसे भूकंप में आता है तो फट जाता है साइड से। अगर सरिया अगर सही से बांधा हुआ रहेगा तो उस साइड से पुनः नहीं झड़ेगा, तो सब चीज़ के लिए जैसे बताया गया है इस तरीके से होने से वो फटेगा नहीं और मकान जो है मजबूती भी रहेगा, चारों तरफ पूरा बंध के रहेगा, कभी दीवार जो पलट जाता है वो पलटेगा भी नहीं, सीधा रहेगा। तो ये ट्रेनिंग आपकी कहाँ, यहाँ जितवारपुर समस्तीपुर में हो रही है? जितवारपुर ब्लॉक पर। किन के माध्यम से हो रही है? CEO साहब के माध्यम से। कितने मिस्त्री आप लोग आए होंगे? लगभग 30। 30 मिस्त्री आए हैं, सभी को ये ट्रेनिंग दी जा रही है? हाँ, सभी को ट्रेनिंग। कि किस तरीके से आप लोग अपने वहाँ गांव देहात में जाके मकान का काम करते हैं, तो किस तरीके से मकान जो भी मकान बन रहा है या बनेगा तो बताना है कि इस तरीके से मकान आप लोग बनाइए जो कि आपको भूकंप रोधक मकान बन सके, जो कि भूकंप में भी मकान डैमेज होकर के जान माल का नुकसान न हो, इस तरीके से बनाया जाए। क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद अख्तर हुसैन। आप राजमिस्त्री का काम कितने दिनों से कर रहे थे? 8 साल से कर रहे हैं। अच्छा, क्या कमियां आपको 8 साल में लगी कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए, या फिर अभी जो ट्रेनिंग में आया है इसमें अपने आप को थोड़ा सा कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, या यहाँ की ट्रेनिंग से जो जानकारी मिली उससे आप बहुत ज़्यादा अपने आप को ब्रिलियंट महसूस कीजिएगा? हाँ, यहाँ जो हमें जानकारी मिल रही है, जैसे कि मेरी मैम है इंजीनियर है, उसने हमें जानकारी जो दी उससे हमको लग रहा है कि इनकी जानकारी सही है, इस तरीके से मकान बनना चाहिए। बिहार में अभी कितने लोग हैं जो ढंग से, कितने राजमिस्त्री हैं जो जिनको कुछ कुछ चीज़ छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी की वजह से मकान कुछ कमज़ोर बनता है, जैसे भूकंप रोधी, ये हम लोगों को बता रहे हैं मैडम जी, उनमें कुछ ऐसी कमी महसूस हुआ है हम लोगों को, जो यहाँ सीखने से हम लोग को इस तरीका का अनुभव हुआ, जो इस ढंग से हम लोग अगर मकान बनाए तो फिर ये मकान आगे चल के कभी किसी तरह का भूकंप आए या कुछ हवा का झटका आए तो उसमें ये मकान सुरक्षित रह सकता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि इस ट्रेनिंग से कंस्ट्रक्शन क्रांति आ सकती है, कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है जी, ये क्रांति आ सकती है इसमें ट्रेनिंग देने से? जी। क्या नाम है आपका? मोहन कुमार। क्या? मोहन कुमार। अच्छा, ये ट्रेनिंग जो हो रही है आप लोगों की, यहाँ पे आप लोगों ने कई वर्षों से मकान बनाते हुए आ रहे हैं अपने समाज में, क्या क्या कमियाँ आपको नजर आई और कैसे आप लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमसे चूक हुआ? सर, ऐसा है जो गाँव में ऐसा किसी पास जैसे देखा देखी काम करवाते हैं सब लोग, तो जैसे लोग कहते हैं वैसे हम लोग काम करते हैं। तो इसी इंजीनियर साहब आए हैं पटना से, हमारी जो 50 समिति है हट पंचायत का, तो हट पंचायत से 2 मिस्त्रियों को ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। तो यहाँ पे 2 दिन से आज दूसरा दिन है, हम लोग का बहुत काफ़ी बदलाव आया है कि 5 दिन और बाकी है ट्रेनिंग, मतलब कुछ सीखने के लिए यहाँ मिला। जी, बहुत खुश हैं आप लोग? जी, बहुत अच्छा है ना। क्या नाम है आपका? महेश दास। मैम, आज जो राजमिस्त्री लोगों की जो यहाँ ट्रेनिंग हो रही है समस्तीपुर जितवारपुर प्रखंड में, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें कि ये ट्रेनिंग किस तरीके की ट्रेनिंग है? ये ट्रेनिंग खासकर अनुभवी राजमिस्त्रियों के लिए है जो भूकंप रोधी भवन निर्माण पे ये ट्रेनिंग चल रही है, ताकि जो भी समाज में अभी असुरक्षित घर बन रहा है, जो भूकंप आने पर भूकंप का झटका झेल नहीं पाते, तो कम खर्च में आप किस तरीके से भूकंप रोधी मकान बना सकते हैं उसकी ये ट्रेनिंग है। कितने दिन की ट्रेनिंग चलती है मैडम? ये 7 दिवसीय ट्रेनिंग है। अच्छा, इसमें और क्या क्या बताया जाता है कि भूकंप से किस तरीके से बचना है, या फिर क्या नाम है, मकान का ढांचा किस तरीके से तैयार करना है? नॉर्मली जो भी अभी हमारे समाज में मकान बन रहे हैं उसमें काफ़ी गलतियां हो रही है, और जो भी हमारे जो राजमिस्त्री काम करे हैं, हर जगह पे इंजीनियर को जाना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए ये ट्रेनिंग सिर्फ राजमिस्त्रियों के लिए है कि जहाँ पे भी वो मकान बनाए
मकान बनाने में जहाँ पे जो गलतियाँ हो रही है उन सब की ट्रेनिंग में बताया जाता है कि कहाँ पे कौन सी गलती हो रही है और किस कारण से हमारा मकान कमजोर हो रहा है, ताकि उसमें सुधार आए और जो भी समाज में मकान बने वो भूकंप रोधी बने। मैडम, अभी आपके ट्रेनिंग में सैकड़ों राजमिस्त्री है, तो उसमें कुछ कमियाँ आपको नजर आई होगी कि हमने देखा है कि जो मिस्त्री छड़ बनते हैं वो चार सरिया लेते हैं, और आपने ये बताया कि सिंगल छड़ पे 3 फ्लोर मकान बनाया जा सकता है, ये वाकई कहाँ तक फैक्ट है? जैसा कि जो भी मकान बनते हैं वो दो तरीके के बनते हैं, एक तो हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर हो गया, दूसरा हमारा लोड बेयरिंग हो गया, और ज़्यादातर जो भी गांव है, छोटे शहर है, सब जगह पे लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर ही बनता है। तो उसमें लोग काफ़ी गलती करते हैं कि 5 इंच दीवार दे दिया, मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ जहाँ पे गलती करते हैं, एक तो पैसे भी लग रहे हैं और मजबूती भी नहीं मिल रही है मकान में। तो जहाँ पे लोग कहीं कहीं होता है कि बिल्कुल छड़ दे करके मकान नहीं बना रहे हैं, तो अगर उस जगह पे हम सिंगल रॉड दे करके भी मकान को बनाएं तो आराम से हम 3 मंजिल तक मकान बना सकते हैं, लेकिन वो भार बहुत होनी चाहिए और जो जो नियम यहाँ पे बताया गया वो सब लगा करके बनाए तो हमारा मकान सुरक्षित होगा। क्या नाम है मैडम? मेरा नाम सपना कुमारी।